नहीं, वो अपना कोई केस बना कर्मचारी लेवल पर 1949, ठीक है ना। तो ये जो पेंडिंग है, इस पेंडिंग के लिए कर्मचारी को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि जल्दी इसका रिपोर्ट कर करके वो सीआई के लॉगिन में डालेगा, सीआई, हाँ सीआई, और सीआई अपना जांच करके सीओ के लॉगिन में देगा ताकि सीओ उस पर डिसीजन ले सके जो भी करना स्वीकृत या अस्वीकृत। तो ये भारी संख्या में जो ये पेंडिंग है 1949, ये नहीं होना चाहिए, समझे ना जी। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं कि ये पेंडिंग को मतलब जो है डिस्पोजल कराना। तो इन लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं है, जो आपने अभी देखा कि इसको पता ही नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। ऑपरेट में जो पड़ा हुआ था उसको निर्देश दिया कि जल्दी वो मतलब जो है अपने सीओ के लॉगिन में भेजे। 11 तारीख से उसके पास पेंडिंग था, जो कि बहुत ही मतलब जो है 11 नवंबर से 28 तक मतलब जो है 123 केसेस ऑपरेटर के मतलब जो है लॉगिन पर पेंडिंग है, जिसको कि मतलब सीओ के पास उसको ट्रांसफर करना था वो नहीं किया। क्या कार्रवाई करना ही है हमको? ये 1949 जो है, अगर मतलब इन लोगों ने कर्म मतलब जांच प्रतिवेदन नहीं देगा जो निर्धारित समय है, अगर ये पाया जाएगा कि लंबे समय से अभी है बिना कारण बताए, तो इस सब पर मतलब जो है इसकी जांच कर करके इसके विरुद्ध मतलब जो है आरोप गठित करके जिला पदाधिकारी को भेजा देगा, भेजा जाएगा। सीओ सर को भी कुछ, सीओ के खिलाफ भी होगा अगर, हाँ सीओ भी के स्तर पर भी जो इतना पेंडिंग है ना 689, ये पेंडिंग किस कारण से है, अगर वो नहीं संतोषजनक जवाब दे सके तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। 11 से लेकर 28 तक कार्य हो गया, 16 दिन तक रखे हुए हैं।